पिछली बार यहाँ से आए थे, नहर के बात किया गया था, कोल नहर का बात 15 साल रह गया। एक बाद अभी तक ग्रामीण जनता है, पूछ लीजिए कि नहर में कितना पानी आ गया। जी जी, अब बताइए कि 15 साल रहने के उपरांत भी हम लोग आपके 5 साल क्यों आप दें, आप ही बताइए। जी जी, है हम जानना चाहते हैं, जो हम लोग के साथ लगाया जा रहा है, ये बीजेपी वाले से पूछे जो वादा, कैसे वादा क्यों नहीं पूरा किए? किसको होना चाहिए सरकार, तो जैसे किसको बनना चाहिए सरकार, आप बताइए खुलेआम बोलिए। हम खुलेआम नहीं कह सकते हैं, हम तो आरजेडी। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप किसकी आरजेडी को सरकार बनेगी, आरजेडी के बीजेपी के क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये 5 साल से 15 लाख चले गए जी, कोई यहाँ बिहार का कोई भी युवा का रोजगार नहीं मिला है। हम लोग उन सबको नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को देंगे। 17 महीना में जितने भी युवा को रोजगार दिए हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बीजेपी रोजगार के बारे में बोलने से ही चकती है जी। हम लोग 2014 में बोली थी कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। दोस्तों मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम, छोटे को सुपर। बताए किसकी सरकार होनी चाहिए? आरजेडी के, आरजेडी को होना चाहिए। आरजेडी को क्यों होना चाहिए? कहे आरजेडी अच्छा सरकार, अच्छा होना चाहिए। गरीबों को मालिक है, गरीबों का ठीक है, गरीबों को मालिक है, गरीबों को मालिक है, गरीबों को देते हैं। क्या क्या दे दिए हैं? हर चीज दिए हैं। क्या क्या दिए हैं बताइए? इतना तो लिख रहे तो भैया नहीं है। नहीं लिखे हैं क्या किए? अच्छा, और किसकी सरकार होनी चाहिए? आरजेडी को होनी चाहिए। क्यों आरजेडी की सरकार होनी चाहिए? बदलाव होनी चाहिए। अच्छा, बदलाव होनी चाहिए, होनी चाहिए। यानी फिर भी आप बीजेपी से खफा क्यों? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसकी बार चेंज होना चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे आपको कुर्सी नज़र आएंगे, कम से कम 200 से 300 चेयर जो है आपको टूटा हुआ नज़र मिलेगा। ये देख लीजिए जितने सारे आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इधर भी देखेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी का सरकार होना चाहिए सर, बीजेपी का सरकार। जी। मगर अगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि आरजेडी का सरकार होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार होना चाहिए। बीजेपी का भी सरकार होना चाहिए, सबसे बदलाव बीजेपी किया है। अच्छा, बीजेपी ने बदलाव किया है? बहुत बदलाव किया है। राम मंदिर का स्थापना किया है, हिंदू धर्म लाने का संस्थापना दिया है। तो आप अच्छी बताइए किसकी सरकार होनी चाहिए? आरजेडी की सरकार होनी चाहिए या बीजेपी की? आरजेडी की। क्यों आरजेडी की क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि युवा को नौकरी देता है। अच्छा, कितने लोगों को नौकरी दे दी है? 5 लाख के। 5 लाख के, उसके बाद फिर देंगे कि नहीं देंगे? 5 लाख के नौकरी दिए तो 25 लाख लोग बेरोजगार से हटे ना, कम से कम। अच्छा। एक को नौकरी दिए तो 5 परिवार को पालन पोषण होता है, तो 25 लाख को पालन पोषण तो कम से कम बेरोजगारी दूर हुआ कि नहीं हुआ? 17 महीना में 25,000 लोगों को दिए ना सहायता। अच्छा, बीजेपी क्या किए? बीजेपी क्या किए आप बताइए? बीजेपी ने सरकार अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी है? आपको वो राशन दिया, राशन 5 किलो अनाज, आयुष्मान कार्ड बनाया आपको। आयुष्मान कार्ड से क्या होता है? क्या नहीं, अगर आपका तबियत खराब होता है तो 5 लाख का इलाज करवा कर सकते हैं। कहाँ है आपको आयुष्मान कार्ड बनाया है? कई रुपया देता है? आप लोग का इलाज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। आप लोग का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है? अच्छा, किसकी सरकार होनी चाहिए, आरजेडी की या बीजेपी की? आरजेडी की। क्यों आरजेडी के क्यों होने चाहिए या बीजेपी के क्यों नहीं? आरजेडी के जो है से कि आरजेडी के जितना दिन सरकार चलाया जी उस दिन में विकास का कुछ काम दिखाई हुआ जी? मैंने क्या आरजेडी ने क्या दिखाई विकास में? नहीं देखे, नौकरी लाया ना। अरे इससे ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी किसकी सरकार होनी चाहिए, आरजेडी या बीजेपी की? आरजेडी के। आरजेडी के क्यों? आरजेडी के इसलिए कि बीजेपी ढेर दिन से रह गया है। अच्छा, तो हम लोग नजर में है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम नहीं किया है बीजेपी, आप बताइए? बीजेपी ने क्या काम नहीं किया बताइए? नहीं, सिर्फ बदल जाना चाहिए, मगर कारण तो बताइए ना कि क्यों बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, उन्हें खेती, उन्हें पानी। नहीं, चलिए आप बताइए किसकी सरकार होनी चाहिए? अभी तेजस्वी लाल सरकार हो, आप इसमें किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बीजेपी या आरजेडी के? आरजेडी। क्यों आरजेडी को? आरजेडी युवाओं का सरकार है। अच्छा, नौजवानों के साथ हमेशा खड़ा है और नौजवानों का पार्टी भी है। अच्छा, ये बताइए जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, नौकरी रोजगार के मुद्दा पर बात करता है आरजेडी। अच्छा, और बीजेपी जो है ये सिर्फ जुमले की सरकार है। बीजेपी जो है
जुमला करता है एक बाद उसको धरातल पर काम नहीं है। अच्छा, पिछले बार यहाँ से आए थे नहर के बात किया गया था, कोल नहर का बात 15 साल रह गया, एक बाद अभी तक ग्रामीण जनता है पूछ लीजिए कि नहर में कितना पानी आ गया। जी जी, अब बताइए कि 15 साल रहने के उपरांत में हम लोग आपके 5 साल क्यों आप दें, आप ही बताइए। जी जी, हैं किसकी सरकार होनी चाहिए? हम सबसे पहले पहले मीडिया से पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। जिस तरह से मीडिया आज पूछ रहे हैं, उस तरह से मीडिया को सब दिन काम करना चाहिए। आज जब नेता आए हैं तो मीडिया भी हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाएगा। ये देखिए, तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा देखिए, जिस तरह से देखिए, पूरा धुआं ही धुआं, पूरा धूल ही धूल उड़ा दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, और पूरे पब्लिक लोग को दिखाइए, पब्लिक लोग को ये देखिए, पूरा पब्लिक धूल से उड़ा दे रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अब हाँ, चलिए बोलिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? किसकी? हाँ चलिए बोलिए भैया, साफ से बताइए। हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से पूछताछ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि जो आज आपका याद पड़ रहा है, जो जब चुनाव आता है तो मीडिया भी हम लोग के बीच आ रहे हैं, पहले तो मीडिया नहीं आते थे, उतना नहीं था, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसी तरह से मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप पार्टी विशिष्ट के बारे में जनता से तो पूछ लेते हैं, लेकिन मीडिया ये नहीं पूछता है कि यहाँ विकास क्या नहीं हुआ। जी जी, समझे? इसलिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मीडिया को बहुत, सबसे पहल सब कुछ है मीडिया। जी जी, मीडिया जब तक जानकारी नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम ग्रामीण लोग के सहयोग से किसी तरह का कोई पूर्ण विकास। तो आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी या RJD का? सरकार तो जनता पर निर्भर है, जनता पर... जहाँ चाहेगी सरकार वहाँ बनेगी, जो विकास के काम करेंगे उनको मत देना चाहिए। तो आखिर किसको होना चाहिए सरकार, तो जैसे किसको बनना चाहिए सरकार, आप बताइए। खुलेआम बोलिए। हम खुलेआम नहीं कह सकते हैं, हम तो RJD। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप किसकी RJD को सरकार बनेगी, RJD के, बीजेपी के कोई नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 5 साल से 15 लाख चले गए जी, कोई यहाँ बिहार का कोई भी युवा का रोजगार नहीं मिला है। हम लोग उन सबको नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ तेजस्वी यादव को देंगे। 17 महीना में जितने भी युवा को रोजगार दिए हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बीजेपी रोजगार के बारे में बोलने से ही चकती है जी। हम लोग 2014 में बोली थी कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। युवा को 15 लाख रुपया नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए 15 लाख रुपया, गार्जियन लोग को चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हम युवा, हमको रोजगार चाहिए। चलिए आइए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। मीडिया पर मीडिया तो हम लोग तो पहुंचबे करते हैं, आखिर जनता के बीच में ना पता करेंगे, जनता से ना पूछेंगे क्या विकास करना चल रहा है? तो बीजेपी के लोग रहेंगे तो वो बताएंगे। बीजेपी बड़का।